दोस्तों, मनुष्य का जीवन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं होगा, तब वह अच्छे समय के महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर अच्छा समय कब आएगा। किंतु अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है, साथ ही हमारे कर्म भी अच्छे समय को हम तक पहुंचने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह से संकेत देकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है, तब ईश्वर उसे विभिन्न प्रकार से संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द आएगा, थोड़ा धीरज रखो। ऐसे में जानकारी के अभाव में व्यक्ति उन संकेतों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं या फिर उनका स्वागत नहीं करते। इस प्रकार जब परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तब वह निराश हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अच्छे समय आने की क्या संकेत होते हैं और किस प्रकार से इन संकेतों का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन के दुखों से बहुत अधिक परेशान रहता था। जब कभी वह कोई काम करने जाता तो वह काम सफल होते होते रह जाता था, आखिरी क्षणों में असफलता ही उसके हाथ लगती थी। कभी वह स्वास्थ्य को लेकर परेशानी में रहता था तो कभी उसके परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती थी। वह अपने जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा बैठा सोच रहा था। तभी उसके दरवाजे पर चिड़ियों का झुंड आया। वह पहले से ही परेशान था। चिड़ियों को देखकर उसने उन्हें भगाना शुरू कर दिया। सभी चिड़िया उसके दरवाजे से दूर हो गई। उस व्यक्ति की यह विशेष आदत थी, जब भी वह किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता था, तब उसे मारने और भगाने लगता था। साधु संतों को देखकर वह कभी उन्हें प्रणाम नहीं करता था, बल्कि मुंह फेरकर वहां से चला जाता था। आखिरकार लगातार परेशानी झेलते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई, तब एक दिन उसने निर्णय ले लिया कि अब वह इस जीवन को समाप्त कर देगा। वह अपना घर छोड़कर गांव से बाहर चला गया और नदी को देखते ही उसमें छलांग लगा दी। लेकिन यह क्या, दो सन्यासियों ने उसे नदी के पानी से बाहर निकाल दिया। दरअसल जब वह नदी में छलांग लग रहा था, वहां पर एक सन्यासी और उनके दो शिष्य बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाता हुआ देखकर सन्यासी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। पानी से बाहर आते ही वह व्यक्ति सन्यासी के ऊपर चिल्लाया। उसने कहा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई, मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे मरना ही होगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे इस प्रकार क्यों व्यर्थ कर रहे हो। आखिरकार जब समय पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें यह धरती छोड़कर जाना ही है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। मेरे जीवन में सब कुछ बुरा बुरा होता है, मैं लाख प्रयत्न करता हूं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम सबसे पहले आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं, बल्कि आत्महत्या से तुम कायर सिद्ध होते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे सन्यासी, आप बहुत ज्ञानी है, कृपया करके मुझे कोई मार्ग बताइए। मुझे यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या क्या है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कार्य करने होंगे। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मुझे सब मान्य है, आप यह बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या है।
सन्यासी ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। व्यक्ति ने